आप सभी का स्वागत है सीआईबी न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सड़क दुर्घटना में एक की मौत, एक घायल, बस और बाइक का आमने सामने हुआ टक्कर। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के अचलीपुर ग्राम सभा के करीब सुबह लगभग 10 बजे ओवरब्रिज के नीचे बस और बाइक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस घटना में एक की मौत हो गई तथा एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बस चालक स्कूली बच्चों को बस में ही छोड़कर फरार हो गया। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के सेनपुर गांव निवासी आनंद पुत्र अनिल, उम्र 20 वर्ष, अपने साथी मुकेश के साथ बाइक से अपने ननिहाल मनियारपुर जा रहा था। अचलीपुर ग्राम सभा के करीब ओवरब्रिज के नीचे जैसे ही पहुंचा कि अतरैट की तरफ से तेज गति से आ रही स्कूली बस का बाइक से आमने सामने टक्कर हो गया, जिसमें बाइक चला रहे आनंद की मौत हो गई। वहीं पीछे बैठा उसका साथी मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक और बस की टक्कर इतनी जोरदार थी कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर होने के बाद बाइक करीब 5 फीट ऊपर उछलकर दूर गिरी। दुर्घटना होने पर बस चालक स्कूली बच्चों को बस में ही छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही अतरौलिया प्रभारी निरीक्षक नदीम अहमद फरीदी घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भिजवाया तथा बस और शव को कब्जे में ले लिया। मृतक अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा था। सूचना मिलते ही मौके पर परिजन भी पहुंच गए। एक्सीडेंट हुआ है, क्या कौन है बता सकते हैं? मेरे भांजे हैं। कहाँ जा रहे थे? ये हमारे घर आ रहे थे दवा के लिए, ननिहाल में पीलिया की दवा लेने जाते थे। तो कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? अचलीपुर हाईवे के पास में एक्सीडेंट हुआ है और मौके पे किसान लोधी इंटर कॉलेज की बस थी जी। हाँ, और इसमें 2 लड़के थे, जबकि एक लड़का हमारा भांजा मृतक हो गया है, उसका नाम है क्या नाम है? उसका नाम आनंद कुमार, पिता का नाम अनिल कुमार। कहाँ के निवासी हैं? ये सेनपुर के निवासी हैं। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।